नमस्कार। आज हम लोग जीएम यूनिवर्सिटी में हैं। आज हम लोग हमारे सामने में कई लड़कियां जीएम कॉलेज की लड़कियां जो देश का भविष्य है। कल क्या बनेंगे कोई नहीं बोल सकता है। कोई नेता बन सकती है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर या कोई हाउसवाइफ, कुछ ना कुछ जरूर बन जाएंगी। तो मैम आपका नाम? ठीक। आपका? तो मैम आज जो आप लोग इतना बड़ा नारा दे रहे हैं, कई छात्र हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, हर कोई है, इसके बारे में बताएंगे। मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है उसके लिए सरकार को दायी करते हैं, क्योंकि खाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये मतलब खाली बात में नहीं, हमको उसको मतलब रियल लाइफ में भी उसको कार्यक्रम करना चाहिए। खाली स्लोगन बन के नहीं रह जाना। तो अभी लोग मैडम कहते हैं हमको चाहिए आजादी आजादी, आप क्या चीज का आजादी चाहते? आप देखिए जैसे कि सरकार बोल रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बट वो तो हो नहीं रहा है ना। देख रहे हैं हर जगह रेप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ये चीज को कंट्रोल करना चाहिए, जबकि सरकार इधर है, बस बोल देने से तो नहीं होता है। तो मैडम अभी हमने देखा मैडम जिस तरह आप कहते हैं बेटियों पर कुछ हो रहा है, तो अभी देखा जाता है हर जगह बेटियां ही राज कर रही है। जहाँ सरकारी नौकरी लड़कियों को दिया जाता है, हर काम में लड़कियों को आगे बढ़ाया जाता है, हर जगह दिया जा रहा है। कई में कोटा अंकल रख देने से खाली नहीं होता है कि लड़कियों के लिए कुछ सीट हम रिजर्व करके रख देते हैं, तो या फिर स्लोगन बना के हम कर देंगे तो उससे कुछ नहीं होता है, उसको लागू भी करना पड़ता है। तो अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ खाली स्लोगन में रह गया तो आए दिन न्यूज़ जिस रात स्लोगन में ही रह जाएगा, आज का भी स्लोगन में रह जाएगा। आए दिन आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कोई ना कोई रेप केस तो आता ही आता है कहीं पे छेड़। वो हमेशा मैडम कई सालों से रेपिस्ट लोगों तो काम ही हुई है। हम भी जब जाना आना यहीं से करते तो हमें बहुत लोग मतलब छेड़खानी बहुत करते हैं। चलिए थैंक यू मैडम। अभी हमने देखा ये छोटी छोटी बच्चियाँ, ये आओ मैडम आपका नाम बताओ। हाँ तो आज जो आप जो सेशन कर रहे हैं, कई छात्र हैं लड़के हैं सबको मिलके कर रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे। आप कहते हैं हमको आज़ादी चाहिए, आपको कैसा आज़ादी चाहिए, किस टाइप का आज़ादी चाहिए, बाहर घूमने फिरना कितना सुरक्षित है, पहला क्वेश्चन तो यही है। और उसी मतलब ये मतलब फ्रीडम का ही हमें मतलब वो आज़ादी चाहिए। लड़की लोगों का फ्रीडम कहाँ है, वही इसी बात का ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मणिपुर का जो वायलेंस हुआ है ये मतलब 140 करोड़ का मतलब जो जनता है उनका उल्लंघन नहीं किया गया है, मतलब किया गया है मणिपुर में, वो दो लड़की का उल्लंघन नहीं किया गया है, ये पे 140 कोटी भारतवासी सब यहीं पे उल्लंघन हुए हैं सबके, ये मतलब बहुत लज्जाजनक बात है। वहीं के जो हिंसा था मैडम ये तो हुआ मैडम, दो अढ़ाई महीना हो चुका अभी इसको हाईलाइट हुआ है, कैसे आ रहा है सामने, मतलब इतना दिन सरकार क्या कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो और मणिपुर का सीएम क्या कर रहे हैं, अभी तक कहाँ है एक्शन कहाँ है। चलिए थैंक यू मैडम। अभी हमने देखा बच्चों में भी कितना जोश है, इनको भी देश की चिंता है, वो भी कहती हैं अब हम भी बड़ी हैं, अभी हमारी जान का क्या होगा, कब क्या होता है कोई नहीं बता सकता है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे छात्राओं को जो इतना बड़ा कार्यक्रम करी हैं, लोगों को अवेयरनेस करती हैं। हम भी चाहे भगवान भी चाहे कि इनको और आगे बढ़ाएं और लोगों की चिंता करें, कोई ज़रूर नेता बनेंगे, क्योंकि नेता का भाषण ही होता है। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट। आज हम सामने गोकुल मेहर जी लड़ुआ नेता, वो बचपन से ही लड़ते आ रहे हैं, चाहे उनका छात्र में रहे कि कुछ भी हो, अभी तो गरीबों के लिए ज़्यादा लड़ते हैं, कोई केंद्र पत्र हो और हर बात अपने मनवा लेते हैं। हम धन्यवाद देंगे जो उन्होंने केंद्र पत्र के लिए इतना किया और कई शर्म को वो भी मिला। आज जो गोकुल मेहर जी आज यहाँ पर जो आए हैं, आप लोग बोलते चाहिए हमें आज़ादी आज़ादी, तो आप लोग क्या गुलाम हो गए हैं क्या? नहीं गुलाम नहीं, मणिपुर जिन छात्री के धर्षण होती अत्याचार हो तार प्रतिवाद करी आज दिन में जदि महिला मान को अत्याचार अन्या है तेल दुर्भाग्यर कथा। आज सारा देश रे आज ये छात्री धर्षण एवं हत्यार लगे सारा देश आज विभिन्न प्रांत आज विभिन्न प्रकार पदक्षेप निशार जेन सरकार अच्छा आज तो जेहतु मोदी सरकार से विरोधी कौचन एवं मोदी सरकार विरोध आज दुर्बार आंदोलन करता ओडिशा सरकार तो कहीं ना करवा नवीन पटनायक कहीं करु सरकार से माने उन, से माने नवीन पटनायक यार गुटे हाथ मिलो छन पहले इलेक्शन बेले कुछ अलग अलग हमर हमें प्रत्येक लड़े रे शामिल होछु जेतेले सरकार डाकरा देबे थैंक यू सर। आम देखु से सरकार के नए न्याय के मानस गोकुल बाबू आज ने अन्याय सी बस से लग आपकी आवाज संबलपुर थैंक यू सर थैंक यू दादा रहो रहो
ठीक ठीक है सर, पेपर ये पेपर दे दो। नमस्कार, आज हमारे सामने युवा नेता लड़ुआ नेता, वो हमेशा लड़ते रहते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, बीजेडी हो, हर किसी के लिए लड़ते हैं और लोगों का काम करते हैं। आज भी देख सकते हैं हम लोग हजारों की संख्या में छात्रा हैं, लड़के लड़कियां हर कोई मिल चुके हैं और हर किसी का एक ही मुँह में है, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ को जो नारा दिया था वो नारा गया कहाँ, वो सरकार गई कहाँ जो लड़कियों के बारे में नारा देते हैं, हम नारी सुरक्षा हमारा पहले जो हर नेता यही बोलते थे, लेकिन वो चीज़ देखने में आ रही है हिंदुस्तान में, डेली नारी धर्षण अभी इतना बड़ा जो कांड हो चुका भारत में, जो विश्व में हर तरफ इसका होने हुआ, मणिपुर में हुआ और हम लोग संबलपुर वासी वो भी नहीं सह सके। आज उन्होंने बहुत बड़ा यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन किया जी एम यूनिवर्सिटी में, खास करके देखा गया यहाँ पर जितने छात्राएँ हर लड़कियों ने भी यहाँ पर साथ दिया और हर किसी जाता है कि हमारी जान बचाए, हमारा फ्यूचर क्या होगा कल कोई नहीं बोल सकता सर। तो सर ये आज जो हुआ इसके बारे में बताएंगे। प्रोग्रेसिव संबलपुर की तरफ से आज जी एम यूनिवर्सिटी के सामने ये प्रतिवाद सभा था, खास करके मणिपुर में जिस तरीके से वायलेंस हो रहा है और उस वायलेंस को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे इस नतीजा आ रहा है और खास करके वहाँ पर महिलाओं लोग के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ पर प्रतिवाद, जिस देश की जिस सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा दी, आज जब मणिपुर की बेटी के ऊपर आक्रमण हो रहा है, उनके ऊपर हिंसा हो रहा है, तो चुप्पी साधी हुई। आज इस प्रतिवाद सभा से हम केंद्र सरकार की दृष्टि आकर्षण करते हुए ये बोलना चाहते हैं कि चुप के तोड़ना जरूरी है और मणिपुर इस देश के अंदर आता है, मणिपुर की बेटी ये देश की बेटी है, उसके प्रति जो हिंसा हो रहा है उसका प्रतिकार करने के लिए सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, नरेंद्र मोदी को चुप के तोड़ना चाहिए और मणिपुर के ऊपर अपना पदक्षेप लेना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सोच अच्छा है। एक बार तो मोदी जी ने यह भी कहा दिया था बेटी पढ़ाओ ए बेटी बचा ए बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, वो एक बार कह भी चुके थे, तो लगता है वही चीज़ अभी चालू कर दिया उन्होंने। खास करके धर्म जाति वर्ण को लेकर हिंसा, ये देश के प्रधानमंत्री उसी गुजरात हिंसा से बड़े हुए हैं, आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आज वही चीज़ वो कर रहे हैं मणिपुर के बारे में, उनको सुधरने का जरूरत है, ये तो देश के लोग उनको सुधार। चलिए सर बहुत धन्यवाद, आपको देखिए और भी लोग सीखें कि किस तरह भैया लड़ रहे हैं। आपकी आवाज़ संबलपुर जसवीर सिंह की।